गाइज वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक सीम। देन यहाँ पर लीग वन का एक मैच हो रहा है पेरिस सेंट जर्मन वर्सेस लियोन के बीच 12:30 बजे। एंड बात करें मेरे टेलीग्राम चैनल, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाओ फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर करो क्लिक एंड ज्वाइन हो जाओ। और गाइज हम इस वीडियो में किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ और नॉलेजेबल है। सो बढ़ते हैं आगे। एंड बात करें अगर हम इस मैच की, तो भाई पेरिस सेंट जर्मन और लियोन की दोनों टीम्स बहुत अच्छी फॉर्म में है। जबकि पेरिस सेंट जर्मन में जब से मैंने बोला ना मेसी और नेमर छोड़ के गए हैं, ये टीम फिनिश सी लग रही है मेरे को। जिस दिन किलियन एम्बापे ने ये टीम छोड़ दी, उस पेरिस सेंट जर्मन को आप टॉप 10 से बाहर देखोगे। टॉप 5 तो बहुत दूर की बात है, टॉप 10 ये बात लिख लो, ठीक है? आपको और कोई शायद ना बताए, लेकिन अगर आप ध्यान देते हो ना हल्का सा भी, तो आप खुद समझदार हो कि ये टीम सिर्फ किलियन एम्बापे के ऊपर चल रही है। और लियोन की बात करूँ, लियोन के पास अच्छे प्लेयर्स हैं, उनके पास लैकजेट है, उनके पास सैयद बेनरहमा है जो नया आया है, और इनका एक प्लेयर, एक डिफेंडर इंजर्ड भी है, सॉरी रेड कार्ड हैंड ओवर्ड है, तो उसकी थोड़ी कमी खलेगी। लेकिन पेरिस सेंट जर्मन का किलियन एम्बापे ठीक है, और एक आध अपना इनका क्या यार मिडफील्डर का नाम नहीं याद आ रहा मेरे को, बहुत अच्छा खेला था प्रीवियस में, हाँ इनका डिफेंडर अशरफ हाकिमी, बस ये दो तीन प्लेयर मेरे को बढ़िया लगते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो कैप्टन से पहले स्ट्राइकिंग की अगर बात करें, तो स्ट्राइकिंग के अंदर लैकजेट की मैं तारीफ़ कर रहा हूँ तो वो बहुत तारीफ़ के लाएगा, क्योंकि इस बंदे ने प्रीमियर लीग में बहुत साल बिताए हैं। पता किस टीम में? आर्सेनल। और आर्सेनल टीम में लैकजेट के अंधाधुंध गोल मैंने देखे हैं। उसके बाद ये काफ़ी टाइम इंजर्ड भी रहा था, लेकिन आफ्टर ऑल इंजरी के बाद, उस इंजरी को भी टाइम हो गया, लेकिन आफ्टर ऑल इंजरी के बाद इस बंदे ने फॉर्म बहुत अच्छी की है अपनी। और आगे से अगर मैं बात करूँ किलियन एम्बापे की, तो मैं एम्बापे को लूँगा यार। मैं आर कोलो मुआनी की अगर मैं बात करूँ, अगर मैं अपनी टीम में सैयद बेनरहमा की बात करूँ, ये सारे अंडर 18 हैं, ये 10 में 1 बार चलते हैं, लेकिन एम्बापे 10 में 9 बार चलता है भाई, वो ऐसा खिलाड़ी। और एशेंशियो बहुत अमेजिंग है, लेकिन एशेंशियो और जी रैम में किसको लोगे भाई, ये तो बेवकूफ़ है। इन्होंने सबको खिला दिया, इन्होंने पिछले मैच में रैमस को प्लेइंग 11 में डाल दिया, इन्होंने पिछले मैच में आर कोलो मुआनी को प्लेइंग 11 में डाल दिया, इन्होंने पिछले मैच में शेंशियो को डाल दिया, बापे को डाल दिया। अब चार चार प्लेयर कौन लेगा यार? इसलिए मेरी नज़र में तो दो प्लेयर हैं भाई जेनविन, एक आर कोलो मुआनी, एक मेरे भाई शेंशियो, तो मैं इन दोनों में से एक के साथ जाऊँगा। अभी मैं शेंशियो को सेव करना चाहूँगा। एंड मिडफील्डिंग की बात करें, दैन डेम्बल एंड विटीना तो आपके यूँ ही आ गए, इतना तो सोचना नहीं पड़ा, क्योंकि सारे के सारे मेन प्लेयर तो स्ट्राइकिंग में डाल दिए। जो दो मिस हो रहे थे वो आज आ गए टीम में भाई। एंड अगर आगे से बात करूँ, देन सी टॉलिसो ने एक मैच में गोल किया था, ये शो कर रहे हैं कि 27 नवंबर के बाद ये खेला नहीं, जबकि इसने पूरे 4 महीने खेला है। तो ये चीज़ अपने दिमाग से निकाल दो भाई, पूरी फॉर्म में है। एंड कैकुरत को लूँगा, बहुत पुराना प्लेयर, कैकुरत तो अमेजिंग भाई, अमेज प्लेयर है। एंड अगर नहीं लेना तो एम फोफाना ले सकते हो इसकी जगह पर, कोई नहीं, क्योंकि मलिक फोफाना अगर कैकुरत बिना गोल करे आपको 25-30 पॉइंट दे सकता है, इतना मैं गारंटीड हूँ, गारंटीड। लेकिन अगर फोफाना खेला तो गोल आने की संभावना बन सकती है 10%। तो अगर आप इतना रिस्क ले सकते हो देन यू कैन गो। 0% सेलेक्टेड है भाई, इससे बढ़िया मौका मिलने नहीं वाला वैसे। एंड अगर मैं डिफेंडिंग की बात करूँ, अशरफ के बाद लियोन का एक मेन प्लेयर निकलस रेड कार्ड हैंड ओवर, आज बेचारा नहीं खेल रहा, इसलिए हम लेंगे मार्कुइनस को। मार्कुइनस के बाद एल हर्नांडिस, बिकॉज मिलन स्क्रीनियर इज नॉट इन फॉर्म। एंड अगर मैं गोल कीपिंग की बात करूँ देन लॉप्स को लूँगा, ठीक है? लॉप्स इज मेन प्लेयर, और अभी आया था, आफ्टर ऑल इतने मतलब कंटिन्यू नहीं खेला, बीच में काफ़ी मिस आउट भी था। एंड बात करें अगर हम कैप्टन की, तो मेरा जो कैप्टन है किलियन एम्बापे, वाइस कैप्टन सबका भी टीना, पता क्यों है? क्योंकि उसके 894% लोगों को दिख रहे हैं, लेकिन असल में बताऊं तो आपको अगर किसी पर रिस्क लेना है तो, अगर आपने रिस्क लेना है, अगर आप सेफ जाना चाहते हैं तो विटीना इज़ बेटर, लेकिन अगर आपने रिस्क लेना है तो मैं अशरफ की राय दूंगा, अशरफ के अलावा किसी के साथ नहीं। तो ये हमारी एक सेफ टीम है, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।